हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने जो यूट्यूब मैनोमीटर और जो भी मैनोमेट्री के टॉपिक्स थे हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आप सबको वो सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ओके, सो क्या होता है, जब हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, उसमें हमने देखा था कि किसी फ्लूइड पे पर्टिकुलर डेप्थ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेशर होता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि अगर किसी फ्लूइड एट रेस्ट पे किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे कोई प्लेन हो तो वो प्लेन किस तरह के फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन्स। सो हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन अ प्लेन। तो किसी फ्लूइड एट रेस्ट पे अगर कोई बॉडी डूबी हुई है तो एक कोई सॉलिड बॉडी नंबर ऑफ सर्फेसेस से मिलकर के बनी होती है। जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो वर्टिकल हो सकता है, या फिर वो इंक्लाइंड हो सकता है। तो वो किसी भी एक जनरल ओरिएंटेशन पे हो सकता है वो प्लेन। सो हम किसी प्लेन पे फोर्सेस का एनालिसिस करने के लिए स्टार्टिंग में हमने ये माना है कि कोई एक प्लेन है, ठीक है, जिसका एरिया ए है, वो एक फ्लूइड में इमर्स्ड है, डूबी हुई है, और उस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, रो इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, नाउ ये जो प्लेट है, ये जो सरफेस है, ये इस लिक्विड के फ्री सरफेस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ द फ्री सरफेस। ओके, नाउ अब इसमें हम एनालिसिस कैसे करेंगे। देखिए, हम जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ से जैसे जैसे हम फ्लूइड में डेप्थ नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाती है वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ते जाती है। अब क्योंकि ये प्लेन इंक्लाइंड है तो इसका ये टिप जो है हम देख सकते हैं डायग्राम से फ्री सरफेस के क्लोज है, और ये जो दूसरा टिप है इसका वो फ्री सरफेस से ज़्यादा दूरी पर है। तो ये जो दोनों टिप है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है फ्री सरफेस से, यानी कि इस टिप पे जितना प्रेशर है इस टिप पे उतना प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। सो वी कैन से दैट प्रेशर इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग द डेप्थ। ओके, सो क्योंकि अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट है, तो हर जगह प्रेशर के कारण आने वाला फोर्स भी डिफरेंट होगा। ओके, सो इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमने क्या किया, इस प्लेन में एक पर्टिकुलर वेरी स्मॉल एरिया लिया डी ए एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम पॉइंट ओ। अब ये पॉइंट ओ जो है ये इस प्लेन से के एक्सिस से ड्रॉ किया गया एक इमेजिनरी लाइन है जो कि फ्री सरफेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ओ। ओके, सो ये जो लाइन है दैट इज मेकिंग ट्रायंगल ऑफ थीटा विथ द फ्री सरफेस। ओके, सो पॉइंट ओ से इस एलिमेंट की डिस्टेंस वाई है। अब ये जो हमने इमेजिनरी एरिया लिया है, जो इसका प्लेन लिया है, इस प्लेन का सेंट्रॉइड जी, ये सेंट्रॉइड जी जो है ये पॉइंट नंबर ओ से वाई बार डिस्टेंस पे है, तो इसको लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ओ, वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फ्रॉम ओ। ओके, नाउ इस एलिमेंट की फ्री सरफेस से जो डेप्थ है दैट इज h, तो h इज द डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस। सिमिलरली जो सेंट्रॉइड है प्लेन का उसकी फ्री सरफेस से डेप्थ h बार है, h बार इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, तो इस डायग्राम को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक चीज पता चलेगी कि देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो या इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं लिख सकता हूं एच बाई वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली लिख सकता हूं एच बार अपॉन वाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके,
तो यहाँ पर पूरी जी सिचुएशन है वो कंप्लीट होती है। तो अब मैं देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट पे कितना फोर्स आ रहा है। सो फोर्स ऑन एलिमेंट, हम एक एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको गिवन एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे प्लेन पे लगने वाला नेट फोर्स हमको मिल जाएगा। सो फोर्स ऑन एलिमेंट डी एफ विल बी प्रेशर पी इन टू द एरिया ऑफ एलिमेंट। ओके, सो प्रेशर कितना होगा, देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, ये पॉइंट फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे है, h डेप्थ पे है, और ये जो एरिया है हमारा दैट इज़ इन्फाइनेटिजमली स्मॉल, वेरी स्मॉल एरिया, तो वे पॉइंट के बराबर ही है। तो इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर हो जाएगा फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ, प्रेशर बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ओके, सो दिस इज द प्रेशर फोर्स ऑन द एलिमेंट। ओके, नाउ ये जो एच है इसको मैं वाई के टर्म में यहां से लिख सकता हूं, एच इज इक्वल टू वॉट वाई साइन थीटा। ओके, सो एच की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं डी एफ इज इक्वल टू रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। सो दिस इज द फोर्स ऑन द एलिमेंट। ओके, नाउ टोटल प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स ऑन द एलिमेंट F will be equal to the integration of df, सारे एलिमेंट्स पे जितना फोर्स लगा सबको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो पूरे प्लेन पे लगने वाला फोर्स मुझे मिल जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू जी इंटू वाई साइन थीटा इंटू डी ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स F। सो देखिए रो जी एंड साइन थीटा दैट इज कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा रो जी साइन थीटा, यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। नाउ ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसको फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू वाई बार इंटू ए। ओके, सो इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो आई विल गेट एफ इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू वाई बार इंटू ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। नाउ वापस आते हैं, हम जानते हैं एच बार बाय वाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एच बार विल बी इक्वल टू वाई बार साइन थीटा। ओके, सो यहां पर मिल रहा है हमको वाई बार साइन थीटा, तो एफ हो जाएगा रो जी एच बार इंटू ए। ओके, एफ था आपका रो जी साइन थीटा वाई, दैट इज वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एच बार, मैंने यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी, आगे एफ इज इक्वल टू एच बार रो जी एच बार इंटू ए। सो दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेन, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेन। सो जो टोटल फोर्स थी इस सरफेस पे लगने वाली उसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मुझे ये दो चीज़ें और जाननी ज़रूरी है, फर्स्ट कि वो कहाँ लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पॉइंट ओ है उससे किसी डिस्टेंस y स्टार पे वो लग रहा है, y स्टार कहीं भी हो सकता है, इट कुड बी नियर दिस एज और नियर दिस एज। तो अभी मैं उसको किसी रैंडमली एक इस लोकेशन पे ले लेता हूँ, द डिस्टेंस इज y स्टार। ओके, y स्टार डिस्टेंस पे ये फोर्स F लग रहा है। ओके, नाउ अब क्या होगा, देखिए हम जो मोमेंट्स का एक लॉ होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स दैट वॉज गिवन बाई द वेरिग्नन, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिग्नन थ्योरम। वेरिग्नन थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स में लगने वाला रिजल्टेंट है ना, अब रिजल्टेंट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं अगर आपको आइडिया नहीं है। तो रिजल्टेंट किसे कहते हैं, किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में जैसे एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज मैं तीन फोर्सेस बोलूँ F1, F2, F3, सपोज थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये तीनों फोर्सेस मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वही सेम इफेक्ट जो एक अकेला फोर्स देगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यानी कि रिजल्टेंट वो फोर्स होता है जो किसी सिस्टम ऑफ फोर्स के इक्विवेलेंट इफेक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो वेरिग्नन ने क्या कहा, वेरिग्नन थ्योरम ये कहता है कि किसी रिजल्टेंट का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट सारे उसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में मौजूद बाकी फोर्सेस के मोमेंट के बराबर होता है। सपोज
ये कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है जिसमें तीन फोर्स लग रहे हैं, लेटर से एफ वन, एफ टू एंड एफ थ्री, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, लेटर से दिस इज पॉइंट ओ, ओके। पॉइंट ओ से एफ वन की डिस्टेंस है एक्स वन, एफ टू की डिस्टेंस है एक्स टू एंड एफ थ्री की डिस्टेंस है एक्स थ्री, ओके। अब ये तीनों का कोई रिजल्टेंट है लेटर से, दैट इज एफ, और जो एफ की डिस्टेंस है लेटर से दैट इज वाई। तो वेरिग्नन थ्योरम कहता है कि रिजल्ट द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एफ इन टू वाई अबाउट पॉइंट नंबर ओ, हम क्या कर रहे हैं मोमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ, एम ओ, ओके। सो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ, सो दैट विल बी इक्वल टू एफ एन, समेशन ऑफ एफ एन एक्स एन, दैट इज द वेरिग्नन थ्योरम, ओके। तो वही थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमको फोर्स की जो लोकेशन है वो मिल जाएगी। मेजरली जो वेरिग्नन थ्योरम होता है, वेरिग्नन थ्योरम का मेन एप्लीकेशन किसी प्लेनर सिस्टम में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे वेरिग्नन थ्योरम का, और उससे हमको जो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी लोकेशन मिल जाएगी, ओके। सो वी विल यूज वेरिग्नन थ्योरम। तो मैंने माना कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ है वो ओ से वाई स्टार डिस्टेंस पे लग रहा है। सो मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स दैट इज एफ अबाउट ओ इज इक्वल टू मोमेंट of all forces acting on plane about O, okay? So इस equation को solve करने पर हमको जो hydrostatic force है हमारा F उसकी location मिल जाएगी। So moment of force F will be equal to F into Y star, and the moment of forces, all forces acting on plane about O will be equal to what? किसी एक particular point पे force लग रहा है df, element पे force लग रहा है df, उसकी जो distance है point O से that is y. So अगर मैं इसको integrate कर दूँ f df into y is the moment of a force acting on element, तो पूरे surface पे जो force लग रहा होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको integrate करना पड़ेगा। So integration of df into y will give moment of all forces acting on plane about O, okay? df की value हम जानते हैं, df की value थी आपकी rho g y sin theta into da into y, इसका integration now f into y star। इस equation को हम लोग solve करते हैं, हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो एफ, एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एफ है आपका रो जी एच बार इंटू ए इंटू वाई स्टार। रो जी कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। नाउ ये जो वाई स्क्वायर डी है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसको बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, या इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन। अब देखिए इसमें जो y है, y इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द O, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी ए हमको देगा आई ओ, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट पॉइंट ओ, ओके। सो इस वैल्यू को मैं यहां ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, सो वी विल गेट रो जी एच बार इंटू ए इंटू वाई स्टार इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई नॉट, या और वी कैन से आई ओ। रोजी, रोजी कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। अब देखिए
आई नॉट क्या है, आई नॉट या फिर आई ओ जिसको मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट पॉइंट ओ। अब ये जो आई नॉट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है ना, इस किसी भी गिवन प्लेन का उसका शेप कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी रेक्टेंगुलर, वो स्क्वायर हो सकता है, वो ट्रायंगल हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, या किसी भी रैंडम शेप का हो सकता है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बताने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मैकेनिक्स का एक थ्योरम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट को देखिए, आई नॉट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू आई जी, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट इट्स सेंट्रॉइड प्लस इट्स एरिया इंटू वाई बार स्क्वायर। नाउ वॉट इज वाई बार, वाई बार जो है वो ओ पॉइंट ओ और जो सेंट्रॉइड है जी इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वाई बार। ओके, सो वाई बार इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन। ओके, तो इस रिलेशन से दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर, इससे मैं आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब इससे वैल्यू फाइंड आउट करना आसान कैसे है, आसान इसलिए है कि आई जी दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे पास होते हैं जो कि हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और वो आपको याद मेमोराइज करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये वैल्यू हमारे पास होती है, एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है किसी भी शेप का, और वाई बार निकालना ज्योमेट्री से एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करके वाई बार फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए हम इसको इस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ना कि हम आई नॉट यूज़ करते हैं। ओके, सो ये वैल्यू मैं अब उठा करके ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा एच बार इंटू ए इंटू वाई स्टार इज इक्वल टू आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ से मैं देखिए, अब वाई स्टार देखिए, वाई स्टार क्या है, वाई स्टार पॉइंट ओ से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स एफ की डिस्टेंस है, दिस इज दी वाई स्टार। तो जैसे कि वाई के करस्पॉन्डिंग डेफ्थ एच थी, वाई बार के करस्पॉन्डिंग जो डेफ्थ थी वो एच बार थी, सिमिलरली एच वाई स्टार के करस्पॉन्डिंग जो डेफ्थ होगी लेट अस से दैट इज एच स्टार, यानी कि जिस पॉइंट पर हमारा रिजल्टेंट फोर्स या टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट की फ्री सरफेस से डेप्थ एच स्टार है। सो एच स्टार इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं इसी को। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में कि व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। सो सेंटर ऑफ प्रेशर कभी भी याद रखना फ्री सरफेस पे नापते हैं, और ये उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है मेजर फ्रॉम द फ्री सरफेस जिस पॉइंट पे टोटल प्रेशर फोर्स आपका एक्ट करता है। ओके, सो दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। और जैसे कि हमारा एच बार वाई बार एच एंड वाई में रिलेशन था, दैट वॉज एच बाई वाई इक्वल टू साइन थीटा था हमारे पास, एच बार अपॉन वाई बार इक्वल टू साइन थीटा था, सिमिलरली एच स्टार अपॉन वाई स्टार हमारे पास साइन थीटा होगा। ओके, तो इस रिलेशन को हम लोगों को यहाँ यूज करना है सारे रिलेशंस को। सो कंटिन्यू करते हैं, एच बार इंटू ए इसको लिख सकता हूँ मैं एच स्टार अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आई जी साइन थीटा प्लस ए वाई बार स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे मिलता है एच स्टार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई बार साइन थीटा होल स्क्वायर होल अपॉन एच बार इंटू ए। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम तो मिलेगा एच स्टार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा एच बार बाई ए प्लस, देखिए वाई बार साइन थीटा, वाई बार साइन थीटा होता है आपका एच बार, तो यहाँ से हो जाएगा एच बार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए इंटू एच बार स्क्वायर अपॉन
एच बार इन टू ए, ए ए कैंसल, एच बार से एच बार स्क्वायर कैंसल, तो हमको मिल रहा है यहाँ पर एच स्टार इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इन टू ए प्लस एच बार. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द सेंटर ऑफ प्रेशर. तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो वैल्यू निकालते हैं हम, वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं. सो हमने देखा फॉर एनी इंक्लाइंड प्लेन, और वी कैन से इंक्लाइंड सरफेस, एच स्टार यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर आता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इन टू ए प्लस एच बार. ओके, ये रिलेशन आता है. अब इस रिलेशन को ऑब्जर्व करने से क्या पता चलता है, देखिए आई जी, आई जी वॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट इट्स सेंट्रॉइड. ओके, अब ये अगर प्लेन बहुत छोटा भी है, सो आई जी इज अ नॉन जीरो वैल्यू. किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के लिए आई जी नॉन जीरो होगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, आई जी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ओके, पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो ये वाला टर्म है पूरा, ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, पॉजिटिव टर्म आएगा. तो इसका मतलब ये है कि एच स्टार विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एच बार. ओके, अब ये जो एच बार या कह लो एच स्टार, ये दोनों टू टर्म्स हैं, इसको हम नाप रहे हैं कहां से, फ्री सरफेस से. फ्री सरफेस से नाप रहे हैं इसको. ओके, अब फ्री सरफेस से नाप रहे यानी कि ये डेप्थ है. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लेन है तो प्लेन का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है दैट इज एच स्टार, वो हमेशा उसके सेंट्रॉइड के नीचे मिलता है. दैट इज वी कैन से दैट सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ अ प्लेन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से हमको मिलता है पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. अब देखिए, हम मैंने एक जनरल केस ले लिया कि प्लेन जो है वो यहां पर इंक्लाइंड है. अब इसके दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. केस वन, कि वो प्लेट क्या हो, वर्टिकल हो. केस वन, प्लेट इज वर्टिकल और सरफेस इज वर्टिकल. प्लेन इज वर्टिकल और वी कैन से सरफेस इज वर्टिकल, यानी कि अब ये वर्टिकल हो गया. तो वर्टिकल के लिए थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ओके, सो एच स्टार विल बी इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन एच बार इंटू ए प्लस एच बार. साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो एच स्टार विल बी इक्वल टू आई जी अपॉन एच बार इंटू ए प्लस एच बार. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकल प्लेट. सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के लिए यहां पर भी देख रहे हैं हम लोग दैट एच स्टार इज ग्रेटर देन एच बार. यहां भी वही सिमिलर केस आ रहा है दैट सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको सीओपी भी बोल रहा हूं मैं शॉर्ट में याद रखने के लिए, सीओपी सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन. ओके, अब देखते हैं सेकेंड केस. प्लेट जो है या प्लेन जो है हमारी वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. सो केस टू, प्लेन इज हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल के केस में थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री. सो साइन 0 होता है 0. तो यहां से एच स्टार आ जाएगा आपका आई जी इंटू 0 अपॉन एच बार इंटू ए प्लस एच बार, यानी कि आ गया एच स्टार इज इक्वल टू एच बार. तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है और जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो एक ही लोकेशन पे होता है. दैट इज द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड एंड
सेंटर ऑफ प्रेशर इज सेम फॉर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंटर ऑफ प्रेशर भी होगा किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। तो चलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस का एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अ गेट सपोर्टिंग वाटर इज शोन इन फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर सो दैट द गेट टिप्स अबाउट द हिंज, टेक द विड्थ ऑफ गेट एज यूनिटी। ओके, अगर आप कोई गेट एस्पिरेंट है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हो चाहे सिविल के हो, इस तरह के जो प्रॉब्लम है ये गेट में मोस्टली आते हैं और इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। कॉमन सा लॉजिक है जो इसमें हमेशा यूज होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर सो दैट द गेट टिप्स अबाउट द हिंज, यानी कि इस जो हिंज दिया है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर इस हिंज के अबाउट ये जो गेट है टिप हो जाएगा, यानी कि ये उठ जाएगा और यहाँ से वाटर फ्लो होने लग जाएगा। ठीक, तो आपको उस कंडीशन में इस एच की वैल्यू बतानी है। ओके, चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से कि इसमें होगा क्या। प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पर एक गेट दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसके फ्री सरफेस से इसका एंगलेशन भी 60 डिग्री होगा फ्रॉम द अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी 60 होगा। नाउ सपोज हमने इसमें पानी भरना चालू किया, जैसे जैसे पानी भरना चालू किया हमने इसमें, ओके, तो सपोज पहले पानी यहाँ से हमने भरना चालू किया, धीरे धीरे पानी को हमने इसमें भरना चालू किया, तो पहले जो फोर्स था वो इस तरफ लगेगा और जैसे 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 हम लोग इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे और इस हिंज के ऊपर जब हम जाएंगे, पानी का लेवल जब हिंज के ऊपर जाएगा तो हिंज के राइट साइड में भी प्रेशर फोर्स लगने लग जाएगा। ओके, तो जो इतना पानी है इस हाइट का, 3 मीटर हाइट तक का पानी है, वो इसके लेफ्ट साइड में प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा और बाकी वाला जो है वो इसके राइट साइड में प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो लेट अस से कि लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स है आपका F2 और राइट साइड में लगने वाला फोर्स है F1। ठीक है, तो ये एक वो सी सॉ जो होता है, ये एक सी सॉ जैसा सिचुएशन हो गया यहाँ पर। अब इसमें होना वाला ये है कि ये गेट कब खुलेगा। ओके, तो स्टार्टिंग की बात करूँ, जब इसमें हमने पानी भरना चालू किया था तो F2 की वैल्यू डोमिनेटिंग थी, ये जो F2 था वो इस गेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा था, जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था F2 डैट वॉज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और वो उसको इस सरफेस की तरफ पुश कर रहा था, दैट्स व्हाई जो गेट था वो लॉक्ड कंडीशन में था। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता गया और इस हिंज के ऊपर पानी पहुंचा तो उसके बाद फिर F1 भी आया पिक्चर में। ओके, अब जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा एक कंडीशन आएगी जब F1 F2 को डोमिनेट करेगा। अब F1 का नेचर ऐसा है कि वो हिंज के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर F1 का जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो F2 के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ज़्यादा हो जाए, यानी कि द मोमेंट प्रोड्यूस इन द राइट साइड ऑफ हिंज ज़्यादा हो जाए मोमेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ हिंज, तो उस केस में ये जो गेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगा। और जब ये गेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये जो टिप है, यहाँ जो इसका गेट है वो ये टिप हो जाएगा, यानी कि यहाँ से उठ जाएगा और यहाँ पर वाटर फ्लो होने लग जाएगा। ओके, तो इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखिए लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ओके, सो पॉइंट बी के अब से मान लीजिए कि इसका जो डिस्टेंस है लेट अस से दैट इज X1 और जो पॉइंट बी से F2 का डिस्टेंस है दैट इज X2। ओके, X1 जो है वो F1 का डिस्टेंस है और X2 जो है वो F2 का डिस्टेंस है फ्रॉम द हिंज। ओके, अब जितना भी फोर्स इस पूरे सरफेस में लगेगा दैट इज द टोटल फोर्स, लेट अस से लेट F इज द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस। ओके, एफ इज द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस, और जो एफ है उसकी डिस्टेंस, एफ इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम हिंज। मैंने मान लिया कि जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हिंज से एक्स डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस केस में मैं जानता हूं
Bergman theorem say that the total force or the resultant force ka moment F into x will be equal to the summation of moments of all forces working on the plane. Okay, to yahan do forces hai F1 aur F2. F1 ka moment that will be clockwise in nature, F1 into x1. Clockwise main le raha hu positive. Jo F2 hai yani ki jo left side hai us pe jo moment hai F2 into x2. तो एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर है तो माइनस ले लिया मैंने उसको माइनस एफ टू इंटू एक्स टू. ओके, अब मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर इस प्लेन को मुझे टिप, ये प्लेन टिप कब होगा, टिप तब होगा जब राइट साइड का जो मोमेंट है वो लेफ्ट साइड के मोमेंट से ज्यादा हो जाए. यानी कि इफ एफ वन एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ टू एक्स टू द गेट विल टिप अबाउट हिंज. तो ये कंडीशन आने के लिए लिमिटिंग कंडीशन क्या है? सो लिमिटिंग कंडीशन ये बन जाएगी, फर्स्ट जैसे ही एफ वन एक्स वन बराबर होगा एफ टू एक्स टू के, उस पर्टिकुलर हाइट पे वाटर जब पहुंच जाएगा कि एफ वन एक्स वन बराबर हो जाए एफ टू एक्स टू के, उसके जस्ट बाद अगर वाटर का लेवल थोड़ा भी बढ़ा तो गेट टिप हो जाएगा. सो तो लिमिटिंग केस बनता है हमारे पास एफ वन एक्स वन इक्वल टू एफ टू एक्स टू. After this point or after this condition, we can say gate will tip. Okay, so यहां से मुझे मिला F into x is equal to F1 x1 and F2 x2 is equal to F1 x1 minus F1 x1. So F into x equal to 0. अब जो resultant force है वो तो 0 नहीं हो सकता, F is non-zero. So, यहां से मिला x इक्वल टू जीरो. यानी कि अगर वो कंडीशन आने वाली है कि गेट टिप हो जाए, गेट ओपन हो जाए, तो उस केस में दैट इज व्हेन गेट इज जस्ट अबाउट टू टिप द रिजल्टेंट फोर्स will act at the hinge. ये बहुत important point है. Okay, so क्योंकि x zero हो गया है, what is x? X is the distance of total force F from the hinge B. अगर x zero है यानी कि जो force F है वो point B पे ही act कर रहा है, hinge पर ही act कर रहा है. So यहां से हमको वो idea मिलता है, वो condition हमको मिल जाती है जिससे हम इस problem को solve कर सकते हैं. And that condition is when gate is just about to tip, the resultant force will act at the hinge. So question में हमको given है that the width of plane is unity, that is width of plane is equal to 1 दिया है हमको. ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है कि वाटर की हाइट क्या होगी जिस हाइट पर ये जो गेट है वो टिप करेगा. सो वी हैव टू फाइंड एच, वैल्यू ऑफ एच हमको फाइंड करना है. अब देखिए वैल्यू ऑफ एच कैसे आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने ये चीज़ समझ ली कि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में व्हेन गेट इज जस्ट अबाउट टू टिप, जो रिजल्टिंग फोर्स होगा या फिर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल एक्ट एट पॉइंट बी, दैट इज हिंज. सो हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, एच स्टार से जिसको डिनोट किया जाता है. सो ये जो डेप्थ होगी दैट विल बिकम एच स्टार. अब जानते हैं हम कि ये पूरी हाइट क्वेश्चन में गिवन है एच है, ये हाइट 3 मीटर है, तो ये रिमेनिंग हाइट हो गई एच माइनस 3. तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट एच स्टार इज इक्वल टू एच माइनस 3. ओके, सो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब किसी भी इंक्लाइंड प्लेट के लिए एच स्टार का एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी भी डिराइव किया, दैट इज आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार. ओके, इस फॉर्मूले से एच बार की एक वैल्यू, एच स्टार की एक वैल्यू आएगी, हम इन दोनों एच स्टार की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो हमको एच की वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी. अब देखो इसको इक्वेट करने से ये एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, एच स्टार जो है वो एच के टर्म में आएगा. ओके, और ये दोनों वैल्यूज एच स्टार के टर्म में, एच स्टार की वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2. तो सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने पे हम लोग एच की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एच बार, ये तीन चीज़ें हमको पहले देखनी पड़ेगी कि इनकी वैल्यूज क्या है. तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एच बार.
तो एच बार क्या है, इस प्लेन का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस। इफ दिस इज फ्री सरफेस, एच बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक, तो यहां पर इसका सेंट्रॉइड सपोज दिस इज पॉइंट जी, तो जी की वैल्यू फ्रॉम द फ्री सरफेस विल बी इक्वल टू एच बाय टू। अब देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो एरिया होता है ए इज नॉट द टोटल एरिया, ओके, ये वो एरिया है जो कि फ्लूड में इमर्ज्ड है। जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं, ये जो पूरा प्लेन है ये पूरा प्लेन फ्लूड में इमर्ज नहीं है, ए से लेके सी तक का जो पोर्शन है सिर्फ वही पोर्शन ही फ्लूड में इमर्ज्ड है। तो हम सिर्फ उस एरिया की बात करते हैं जो कि फ्लूड में इमर्ज्ड है। तो यहाँ पर याद रखना, ए इज द एरिया ऑफ प्लेन इमर्ज्ड इन फ्लूड, ओके, इट इज़ नॉट द टोटल एरिया। जैसे कि सपोज एक कोई रेक्टेंगल है जिसकी जो डायमेंशन है 2 मीटर बाय 4 मीटर है, लेकिन वो सिर्फ 2 मीटर डेप्थ तक के वाटर में इमर्ज्ड है, तो हम उसका टोटल एरिया नहीं लेंगे, 2 × 4 नहीं लेंगे, उसके एरिया को हम 2 × 2 लेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो सिमिलरली, तो इसकी जो एच हाइट है उतने तक के डूबा हुआ है, तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा दैट विल बी, दैट इज एच बार विल बी इक्वल टू एच बाई टू, ओके। नाउ एरिया चाहिए प्लेट का, तो एरिया का हमको वो एरिया चाहिए जो कि फ्लूड में इमर्ज्ड है। तो हमको लेंथ चाहिए सबसे पहले AC, और इसकी जो विड्थ है दैट इज 1, ओके। तो लेंथ चाहिए हमको AC, लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट इमर्ज्ड इन फ्लूड, दैट इज AC चाहिए अपने को, ओके। तो AC निकालने के लिए देखिए ये एंगल आपको गिवन है, ये हाइट h है, तो h अपॉन AC विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ओके। सो AC विल बी इक्वल टू h अपॉन साइन 60, साइन 60 होता है आपका √3/2, तो AC आ जाएगा आपका 2h अपॉन √3, ये आ गया AC की वैल्यू। नाउ हमको चाहिए प्लेन का एरिया, ओके। सो एरिया ऑफ द प्लेन दैट इज A विल बी इक्वल टू AC इंटू 1, दैट इज 2h/√3 × 1, दैट इज 2h/√3, ओके। अब देखते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल के लिए होता है विथ इंटू लेंथ क्यूब डिवाइड बाई 12, जो प्लेन की विथ है दैट इज 1, ओके, एंड लेंथ हमने निकाल ली है 2h/√3, सो 2h/√3 क्यूब डिवाइड बाई 12। सॉल्व करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट इट्स सेंट्रॉइड IG आएगा 2h³/√3, ओके। सो इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, सो एच स्टार आ जाएगा यहाँ से IG दैट इज 2h³/√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा वैल्यू है 60 डिग्री, अपॉन ए दैट इज एरिया 2h/√3 इंटू एच बार है आपका h/2 प्लस h बार दैट इज h/2, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, सो h स्टार आ रहा है इसको सॉल्व करने पे 2h/3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h स्टार। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं लिख सकता हूँ 2h/3 इज इक्वल टू h-3, सो 2h इज इक्वल टू 3h-9, ओके। सो h कम्स आउट टू बी 9 मीटर, यानी कि जब वाटर 9 मीटर हाइट तक के फिल हो जाएगा उसके बाद थोड़े भी वाटर के लेवल में अगर इंक्रीज किया जाएगा तो गेट विल स्टार्ट टिपिंग, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। सो आई होप आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स बनाने में अब आगे कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑन वर्टिकल सर्फेसेस एंड हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस, वो भी बहुत सिंपल है, उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो भी हमने आज फॉर्मूला देखा है उसको यूज़ करते हुए। और जो आज मैंने ये इंक्लाइन प्लेट और गेट्स का फॉर्मूला कराया था, जो न्यूमेरिकल कराए थे, वो न्यूमेरिकल्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते एग्जाम में, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल वर्कआउट कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेस, ओके। सो मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।